आज पृथ्वी पर है मेरा 13,319वां दिन और अब तक 319.6 हज़ार घंटे का जीवन बीत चुका है। सुबह जागते समय मैंने साधना के पहले नियम का पालन किया, अपने शरीर की सीमाओं का निरीक्षण किया, इसके बाद धरती माँ को प्रणाम किया और निकल पड़ा अपनी बगिया की ओर। कल खुद से पूछे गए सवालों का जवाब आ चुका था, तो अब समय था धन्यवाद देने का इस अस्तित्व को, इस प्रकृति को। इसके बाद मैंने आत्मनिर्देशित क्रिया योगा के साथ शरीर को खोलना शुरू किया। ये बेहद सरल और अत्यंत उपयोगी योग विधि है। खुद को जानना और अपने शरीर की सारी ऊर्जाओं को जगाना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। मैंने अपने गुरु को भीतर ही खोज लिया है। हम जिस जीवन को जानते हैं वो शरीर से शुरू होता है और शरीर के समाप्त होते ही समाप्त हो जाता है। जिंदगी का असली रोमांच बाहर नहीं है, जिंदगी का असली रोमांच है भीतर। लेकिन जब भीतर उतरेंगे तब पता लगेगा, उससे पहले कुछ नहीं। तो चलिए अभी नाम जप करते हैं। नाम जप के बाद मैं वापस पहुंच गया अपनी बगिया में। शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए जरूरी एक्सरसाइज की, इसके साथ ही मैं इस सपने में ऊर्जाओं को नियंत्रित करने की कला भी सीख रहा हूँ। जीवन भीतर से शुरू होता है और भीतर से ही समाप्त हो जाता है। ये जीवन कितने दिन चलेगा इस चीज़ का कोई भरोसा नहीं है। तो आइए हम चिंगालाला बल्ली बो के साथ एक रोमांच भरा प्रयोग करके देखते हैं। आओ चिंगे, एक फल का नाम सोचो और मैं उस फल का नाम बता दूंगा। सोच लिया, सोचता रहा था मैं। मेरी तरफ भेजो उसको, इधर उस कैमरे में नहीं, मेरी तरफ। अरे उस कैमरे में से ही जाएगा ना। जाएगा? ओ यार, तुम अमरूद तो नहीं सोच रहे? हाँ, सही है। अरे यार, ये तो मुझे एकदम सही पता लग गया। भीतर की साधना से आए परिणामों में ये पहला परिणाम है। हम दोनों एक दूसरे के मन की बात जान लेते हैं। फिर मैं आंखें बंद करके कुछ देर अपने भीतर ही खो गया। भीतर की साधना बड़ी खतरनाक होती है। जब आप अपने अंतर्मन को जगा देते हैं तो उसके साथ बहुत कुछ ऐसा जाग जाता है जो आप अपने जीवन में नहीं चाहते। सत्य की खोज आसान नहीं है, इसके लिए मुझे अपनी धारणाएं गिरानी पड़ी, अपनी मान्यताओं से मुंह मोड़ना पड़ा और अपनी मानसिक गुलामियों को देखकर उनसे पीछा छुड़ाना पड़ा। ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन मैंने इसे किया।